Hello students, myself Manjumani. I welcome you in General English online class from Gurugram College. In our previous video, we talk about our tense, that was present tense. Now, in this video, we talk about our next tense, past tense. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमारे हमने टेंस स्टार्ट किए हुए थे और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को डिफाइन किया था, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था. आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वट वॉज द मेन फॉर्मूला, मेन रूल ऑफ द टेंस. आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी. और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को रीड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो ये टेंस है वो परफेक्ट बन सके. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, के जो प्रैक्टिस है वो क्या है, मैन को परफेक्ट बनाती है. करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, नसरी आवत जावत है पत्थर पर निशान. कि आप प्रैक्टिस करोगे फिर ही आपको आप परफेक्ट बन पाओगे, आप उसमें निपुण हो जाओगे, एकदम पक्के तरीके से तैयार हो जाओगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट टेंस. जैसा कि मैंने बताया था कि पास्ट टेंस, पास्ट का मीन्स क्या होता है, हमारा बीता हुआ टाइम मतलब कि जो टाइम हमने स्पेंड कर लिया, जो टाइम हमारा चला गया, वो किस में आता है, पास्ट में आता है. तो ये जो पास्ट टेंस है इसकी जो पहचान है, पास्ट टेंस की जो पहचान है वो यही रहेगी. जैसे हम बात करते हैं किसी पुराने टाइम की, तो हमारे नॉर्मल सी बात है, तो उसमें क्या आता है लास्ट में, था, थी, थे, ये, ही, या, उसने गाना गाया, जो गाया था लगा तो चल गाया, एक ही बात है. मतलब पुराने टाइम की बात हो रही है. और इसकी जो कीवर्ड है, मतलब कि हमें एक ही नज़र में जब फर्स्ट साइट में हम इसको देखेंगे तो मेन जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इसके वोज वर्ड. जो आपका ये टेंस है इसके जो कीवर्ड है वोज वर्ड है. तो हम इसका पहला टाइप देखेंगे. इसका जो पहला टाइप है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस उसके जो रूल है, उसका जो रूल है या उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, आपका जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वी टू. यहाँ पे वी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म. जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखेंगे, मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ जाता था. यह आपका फर्स्ट एग्जांपल है, मैं वहाँ जाता था. तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैं, आई, जाता था, जाने को क्या बोलेंगे, गो. और गो की सेकंड फॉर्म होती है वैन, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर. मैं वहाँ गया था या मैं वहाँ जाता था या कैसे. अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया. मैंने की जगह हम यहाँ पर सी कर तुमने कर दी, यू ए फूल, तुमने खाना खाया. अब इसकी तरह जैसे कि हमने लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हर टेंस की आगे क्या सिचुएशन होती है, चार. एक तो क्या है, नॉर्मल बात करेगा कि मैंने खाना खाया. दूसरा क्या होगा, नेगेटिव बात करेगा कि मैंने खाना नहीं खाया. और तीसरा जो होता है इंटरोगेटिव, उसमें पूछेगा क्या मैंने खाना खाया. और फोर्थ जो होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मैंने खाना नहीं खाया. अब वो बनाएंगे हम, सिंपल हमने बनाया. उसके बाद हमारा नेगेटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे इसी सेंटेंस को. ये बना,
यू एट फूड को हम नेगेटिव में चेंज करें यू एट फूड। यू जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में चेंज करने के लिए अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव में करना हो और हमें दिखे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको अगर इधर साइड में की वर्ब सेकंड फॉर्म हो तो नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एट का जो हमारा सब्जेक्ट सेम ही रहेगा लेकिन हम क्या लिखेंगे, एट को लिखेंगे डिड नॉट ईट। एट को क्या राइट करेंगे, डिड नॉट ईट, डिड नॉट ईट। और आगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम टू सेम हम राइट कर लेंगे, डिड नॉट ईट फूड के तुमने सब्जेक्ट की जगह क्या था, सब्जेक्ट हमारा यू था, तो क्या आ जाएगा, यू डिड नॉट ईट फूड, तुमने खाना नहीं खाया। और इसका जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब कि प्रश्न वाला बनाएंगे, उसमें क्या होगा, जो ये डिड है, जो ये डिड है ये हमारा बाहर डब्ल्यू एच का वर्ड, डब्ल्यू एच का यूज करेगा, तो आएगा डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। और इसका जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में आपको पता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये हमारा क्या था, सिंपल पास्ट टेंस था जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसको जब नेगेटिव में चेंज करना होता है, जब हम वर्ब की सेकंड, ये आपको बहुत ही माइंड में रखने वाली बात है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, जब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इधर आकर ये डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पास्ट टेंस का जो फर्स्ट है, सिंपल पास्ट, वो कंप्लीट होता है। और इसका आप एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, मैं कहानी पढ़ता था, मैं कहानी पढ़ता था, वह खेलती थी, वह खेलती थी, राम आम तोड़ता था, राम आम नहीं, राम आम खाता था, राम आम खाता था। तो आप इनके बनाकर देखना, सिंपल पास्ट। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो टेंस है, सिंपल पास्ट के बाद सिंपल कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि जो काम पीछे से मतलब चल रहा था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, क्या था वो, चल रहा था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, जो पास्ट में चल रहा था। तो इसकी जो पहचान है हिंदी में तो क्या होती है, रहा था, ये क्या है, इनकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या है, इनकी पहचान है। और इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट
कंटिन्यूस का जो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस, जैसा कि मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस, कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा, लेकिन जो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमने प्रेजेंट में किया था तो उसमें इज एम आर प्लस वी वन आ रहा था आईएनजी के साथ, और अब हम जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, आगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा। मतलब कि जो पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस वी वन आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। हम पहले ये देखेंगे कि वाज और वर्ब में वाज किसके साथ आता है और वर्ब किसके साथ आता है। सबसे पहले वाज, अब जैसा कि स्पेलिंग ही क्या है, इसकी स्पेलिंग बड़ी है, इसको याद करने का इजी तरीका क्या है, वाज तीन वर्ड है और इसमें फोर लेटर है, इसमें थ्री लेटर है इसमें फोर लेटर है, तो ये वाज है वो क्या है, सिंगुलर के साथ मतलब छोटों के साथ कमजोरों के साथ आएगी, जैसे कि ही शी आई, इसमें आई क्या है छोटे में आ जाएगा, ही शी इट और सिंगुलर सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या आएगा वोज आएगा, इनके साथ वोज का यूज होगा, और वर्ब के यूज के लिए हम देखेंगे वी यू दे, और जो हमारी प्लूरल नाउन होगी कोई भी अगर एक से ज्यादा संख्या वाली संज्ञा होगी प्लूरल नाउन होगा प्रोनाउन होगा उनके साथ क्या आएगा वर्ब का यूज होगा, उनके साथ वर्ब का यूज होगा। एक बार और नोटिस करने की वाली बात है, कभी कभी आपने आई के साथ वर्ब का यूज देखा होगा, आई के साथ वर्ब का यूज देखा होगा कि जैसे हम कोई इमेज कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, इफ आई वर आवर प्रिंसिपल ऑफ योर ऑफ आवर स्कूल, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, उसमें क्या है इफ वाले जो वर्ड होते हैं ना जिसमें हम सोच रहे होते हैं उसमें आई के साथ वर्ड आता है, वैसे आई के साथ हमेशा वर्ब ही आता है, तो हम याद रखने वाली बात है कि आई के साथ इसमें वर्ब आएगा ना कि वर्ब आएगा, बल्कि अलग कंडीशन होती है। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे, क्या लिखेंगे, रीना खेल रही थी, रीना खेल रही थी, अब इसकी जो पहचान है रही थी, सबसे पहले आपको पहचान देखनी है, वो क्या है रही थी तो क्या है वो पास्ट कंटिन्यूस, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है रीना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीना राइट करेंगे, उसके बाद क्या आएगा वाज वर्ब में से जो रीना है वो क्या है कि लड़की है सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा वाज, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को बोलते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा रीना वाज प्लेइंग, जो रीना है वो खेल रही थी। एक अदर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर टू, वे नाच रहे थे, वे नाच रहे थे, तो इसमें क्या होगा वे को क्या बोलते हैं दे, और इसमें आपको पता है कि जो दे है वो क्या है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा वर का, तो क्या लिखेंगे वर दे वर, नाचने को क्या बोलते हैं डांस, और इसके साथ आईएनजी डांसिंग, दे वर डांसिंग वह नाच रहे थे। अदर एग्जांपल देखेंगे इसका, एक और मैं बैट पर
कूद रहा था, मैं बेड पर कूद रहा था। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा, बेड पे कूदने की बात होगी। मारे दूसरे हम देखेंगे बेड, मैं बेड पर कूद रहा था तो मैं क्या लिखेंगे, आई वॉज। कूदने को क्या बोलते हैं, जंपिंग ऑन द बेड, मैं बेड पर कूद रहा था। तो ये हमारा सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी पहचान रहा है रही थी। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वी वन, मतलब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अब हम इसे आगे के पार्ट देखेंगे कि पास्ट जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस को नेगेटिव बनाने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव, जैसे कि रीना खेल रही थी तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, रीना नहीं खेल रही थी या रीना खेल नहीं रही थी। तो क्या लिखेंगे, रीना वॉज, अब देखो वॉज तो आ गया, उसके बाद नोट आएगा, वॉज के बाद क्या आएगा, नोट, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बी आई एन जी। रीना वॉज नॉट प्लेइंग, रीना नहीं खेल रही थी। अगला क्या बनाया था, वे नाच रहे थे, दे वर नॉट डांस, वह नाच नहीं रहे थे। इसके बाद क्या था, मैं बेड पर कूद रहा था, I was not jumping on the bed. ये हमारा नेगेटिव। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वॉज वर्ब, वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यहाँ पे होएगा वॉज रीना प्लेइंग, कि रीना क्या, रीना खेल रही थी। नेक्स्ट है वर दे डांसिंग, वे क्या वे नाच रहे थे, आई वॉज, तो क्या वॉज आई जंपिंग ऑन द बेड, क्या मैं बेड पर जंप कर रहा था। याद रखना इंटरोगेटिव में आपको लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, उसी से आपकी पहचान होगी कि आपने इंटरोगेटिव बनाया है। इसके बाद क्या रहेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक क्वेश्चन वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें क्या होगा, वॉज रीना नॉट प्लेइंग, क्या रीना नहीं खेल रही थी। फिर आएगा वर, दे नॉट डांसिंग, क्या वे नहीं नाच रहे थे। उसके बाद आई वो आई नॉट jumping on the bed, क्या मैं बेड पर जंप नहीं कर रहा था। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी पहचान
पहचान क्या होगी, रहा था रही थी और रहे थे। एग्जाम्पल हमने किया रीना खेल रही थी, रीना वॉज प्लेइंग, और इसका हम नेगेटिव बनाया जब हमने तो क्या बनेगा, रीना वॉज नॉट प्लेइंग। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले आए, वॉज रीना प्लेइंग। इसी तरह से वर्के वाला बनाएंगे, वर वाला भी इसी तरीके से बनेगा, वर दे डांसिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाकर उसके बाद सब्जेक्ट और देन वर्ब। ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, वॉज वर उसके बाद सब्जेक्ट देन नॉट और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमारा जो पास्ट टेंस है उनके हमने दो टेंस आज डिस्कस किए थे आगे के पार्ट, पास्ट सिंपल तो सिंपल पास्ट कर लिया और पास्ट कंटिन्यूस। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसके आगे के जो टेंस रहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।